हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सी टी सेल की तरफ से गाइज एमएसटी सी टी के रिजल्ट्स के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आया है। एंड इस अपडेट से गाइज काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे। एंड जिनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही गलत लगा था या फिर हमें बहुत मार्क्स मिले थे बट काफ़ी कम परसेंटाइल आया है, तो उनके भी सारे कन्फ्यूजन्स एंड जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जी हाँ गाइज, सी टी सेल अभी फिर से जो है वो आंसर की जो है वो रिलीज़ करने वाला है, जिससे आप फिर से देख पाओगे कि आपने कौन से क्वेश्चन के ऊपर टिक किया था एंड कितने मार्क्स आपको जो है वो मिले थे एंड जो रिजल्ट है वो कैसा लगा है। एंड ऐसा सीईटी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि रिजल्ट लग गया है एंड फिर उसके बाद फिर से जो आंसर की है वो आई है, तो इस साल ऐसा जो है वो होने वाला है। साथ ही में कब आंसर की रिलीज होगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। एंड इसके वजह से गाइस हमारे जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी जो है वो थोड़े डिले जो है वो हो सकते हैं। तो कब तक प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है उसके बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ा अपडेट जो है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करता हूँ आंसर की के ऊपर एंड फिर हम देखेंगे कि क्या एडमिशन प्रोसेस में इसका जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है। तो जैसे कि अभी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें ये बोला जा रहा है कि एमिड एलिगेशंस ऑफ अनफेयर रिजल्ट्स ऑफ एमएसटी सीईटी द महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी सेल ऑन सैटरडे डिक्लेयर्ड दैट इट विल रीओपन द आंसर की अलॉन्ग विथ रिस्पॉन्सेज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर देयर वेरीफिकेशन, ठीक है। साथ ही में इन्होंने ये भी लिखा है कि आंसर्स बाय स्टूडेंट्स अलॉन्ग विथ मॉडल आंसर की विल बी मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट ऑन June 27 फॉर 2 डेज। स्पेसिफिक डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोसेस विल सून बी अपलोडेड ऑन द सीईटी सेल्स ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो 27 जून को गाइज सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें फिर से जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी एंड फिर से गाइज आप वेरीफिकेशन कर पाओगे एंड देख पाओगे कि आपको कितने मार्क्स जो है वो एक्चुअल में जो है वो मिले थे एंड एक्चुअल में आपको जो परसेंटाइल है वो कितना जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। एंड ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो है वो कवर किया गया है एंड कन्फर्म्ड न्यूज़ है। साथ ही में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ पर भी ये जो है वो पूछा गया था एंड बताया गया था कि आंसर की फिर से जो है वो रिलीज होगी। तो सीईटी सेल की सेल के वेबसाइट के ऊपर हमें जल्दी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप अपना जो आंसर किया है वो फिर से जो है वो देख पाओगे एंड डाउनलोड कर पाओगे। एंड जैसे ही आंसर की रिलीज होगा मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा एंड ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है ताकि आप फ्यूचर में भी उसे जो है वो देख पाओ, ठीक है। अब इसके वजह से गाइस क्या होगा कि हमारे एडमिशन प्रोसेस में भी थोड़ी बहुत जो डिले है वो हो सकता है। अब इन्होंने जैसे कहा है कि 27 तारीख को जो है वो हमारी आंसर की फिर से हम जो है वो देख पाएंगे। 27 से 2 दिन दिए है तो हो सकता है 29 तक हम जो है वो आंसर की जो है वो देख पाए। अभी इस आंसर की में अगर ऐसे स्टूडेंट्स निकलते हैं जिन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे निकलते हैं कि जिनको 150 मार्क्स मिले हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको 140 मार्क्स मिले हैं, जिन्हें 130 मार्क्स मिले हैं एंड ये रेंज वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं एंड इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इतने मार्क्स मिलने के बावजूद भी अगर बहुत ही कम परसेंटाइल आया है, जैसे 40% आया है या फिर 50% आया है, तो फिर इस कंडीशन में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के तरफ से आवाज़ जो है वो उठाई जाएगी, फिर यूट्यूब पे बहुत सारे जो वीडियोस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे पॉलिटिकल का जो प्रेशर है वो भी जो है वो हो जा सकता है अगर ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती है, सारी चीज़ें नॉर्मल निकलती है, सपोज़ अगर करते कि शिफ्ट जो है वो बहुत ही ईजी थी, वहाँ पे 70 मार्क्स स्टूडेंट को मिले थे एंड वहाँ पे स्टूडेंट को कम परसेंटाइल मिला है तो फिर ठीक है, बट 150-140 मार्क्स मिलने के बाद अगर शिफ्ट ईजी हो या फिर टफ हो या फिर कुछ भी हो, ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो अच्छा ही आता है जितना सीईटी का हमने देखा है एंड जितना प्रीवियस हिस्ट्री में देखने को मिलता है। इस मार्क्स पे तो अच्छे परसेंटाइल मिलते हैं बट हाँ, अगर यहाँ पे एंड शिफ्ट जो है वो बहुत ही ईजी है तो यहाँ पे कम मार्क्स जो है वो कम परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें होती है तो फिर हो सकता है कि हमें रिजल्ट में भी कुछ जो चेंजेस या फिर कुछ फर्दर अपडेशन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, बट अगर नॉर्मल चीज़ें होती है तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर डायरेक्ट हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखो जून के एंडिंग में ये सारी जो चीज़ें वो चलेगी तो हमारे जो एडमिशन प्रोसेस है वो तो जो है वो डिले होने ही वाले है एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 24 से 30 के बीच में अपडेट नहीं आएगा तो फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जो अपडेट है वो आएगा। तो अभी गाइस जो मोस्ट प्रोबेबल डेट्स है वो यही है कि 1 से 10 जुलाई के बीच में हमें सीईटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है एंड इसके ऊपर भी कुछ आर्टिकल्स आए हैं जो मैंने देखे गए एंड बताया गया है कि 27 या फिर 28 को सभी कॉलेजेस के मीटिंग्स जो है वो होने वाली है एंड उसके बाद फिर एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तो यही न्यूज़ निकल के आ रही है कि 1 से 10 जुलाई से हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे एंड जुलाई में हमारा जो कैप राउंड है वो रहेगा, ठीक है। एंड ये जो आंसर की है वो फिर से अब रिलीज होने वाली है, तो आपके पास अच्छा चांस है कि अगर आपने नहीं देखी आंसर की तो आप देख पाओगे कैसे
देखना है। जैसे ही आंसर की रिलीज होगी वैसे ही मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। साथ ही मैं आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो देते रहता हूँ। एंड आपको ये भी पूछता हूँ कि कौन से कॉलेजेस के ऊपर रिव्यूज़ वगैरह चाहिए, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे, ठीक है। तो व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड जैसे ही आंसर की रिलीज होगी वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।